भागलपुर के पुलिस लाइन में कांस्टेबल नीतू के परिवार के सामूहिक हत्याकांड मामले में मंगलवार को परिजन एसएसपी से मिलने पहुंचे, जहां परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर केस की प्रगति और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जबकि इस मामले में पुलिस अभी तक उलझी हुई है और यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने और क्यों की है। एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे हत्या का स्पष्ट कारण और तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता का पता चलेगा। वहीं मृतका के भाई विकास ने कहा कि उनकी बहन ने रक्षाबंधन पर घर लौटने का वादा किया था, जबकि परिजनों ने नीतू की छोटी बहन रानी के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वह बिहार पुलिस में ही नौकरी चाहेंगे। परिजनों का कहना है कि अब बिहार पुलिस की नौकरी में उनका भरोसा कम हो गया है। वहीं एसएसपी ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। के मामा है वैसे, उनके भाई है वैसे, जो कि आर्मी में कार्यरत है, उसमें हम लोग जो भी इस तरह की घटना पे जो भी सरकारी सहायता मिलती है वो भी उनका पेंडिंग है सारा। और उनकी एक बहन है जो अविवाहित है, उनके भी अनुकंपा को जो नौकरी मिलती है उसकी जो भी कार्रवाई वो यथाशीघ्र पूर्ण कराते हैं वो करा। हाँ, वो उनको केस के जो भी प्रगति हुई उसके बारे में उन्होंने बताया और उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें चार में जो गले पर जो इंजरी थी उसके चलते मृत्यु हुई और एक जो है एंटी मॉर्टम हैंगिंग, मतलब कि रस्सी से जो लगा हुआ था उसी से लटक उनकी जान गई है। और एफएसएल की रिपोर्ट अभी बाकी है, अभी सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो हमको उसके विश्लेषण करके जो घटना का जो क्रम था उसको हम लोग निर्धारित करेंगे। साथी साहब से मिलने आए थे, इसके बारे में क्या कार्रवाई हो रहा है, और हम लोग दूरी होने के चलते हम लोग थोड़ा आने में कठिनाई भी होती है। आज मंगलवार के दिन रात में भी सोमवार को हुआ था, घटना हुआ था, अभी 8 दिन में आना जाना हम लोगों में माथा भी सिलसिले से काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। कार्रवाई तो अपने साहब से अभी बात की, आप लोगों के समक्ष भी बात की है तो बोले कि हाँ इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और फिर पहले से अच्छे तरीके से काम चल रहा है और हमको पुलिस जांच पर हमको सवाल है। कैसे ये घटना हुई अभी तक अभी ये खुलासा नहीं हुआ, ये कैसे घटना हुआ है इसके बारे में तो वरीय पदाधिकारी ही बताएंगे, जांच पर रिपोर्ट देंगे अपने मुख्यालय। अनुकंपा की बात हुई अभी तो साहब बोले अनुकंपा के लिए आप लोग वो करेंगे, वो एक छोटी बहन है, अगर हो सकता है अगर राजी होगी तो करेगी, नहीं तो कोई हम लोग को पुलिस विभाग में आने की महिला को एक मात्र छोटी बहन है उसकी बात करने के बाद। हाँ, ये भाई है जो फौज में अभी बेटी क्या कर रही थी, बोल रही थी झूठी मम्मी बना रहा था। हाँ। हमको बहाली में ले जाना था एक लड़की के, वो एग्जाम देने जा रही थी। हाँ। हाँ। मम्मी रोटी बना रहे हैं। हाँ। से हमसे लड़ाई करते हैं खोल के उसे कहा पड़ा बुलावा तो कहें कि काका कह रहा हूँ बेटा लड़ाई मत कर ठीक से रख। पंकज से ही बात हुई, उनको भी समझाया ठीक से रह का लड़ाई करे के बाद फोन भाई ऐसे नौकरी कल के तो फोन अब काहे कल अभी बता ना मम्मी हम रानी से बात करते ऐसे बोल रहे सबको ना बबुआ बात घर होबे करी तो इनका डरे हम बात ना करें बहन से ऐसे बोल रहे। लड़ाई के बारे में बताया था। हाँ, घर वापस आने की कब बात कही थी जी? घर वापस आने की बात, घर कहीं के राखी में हम जाएंगे रक्षाबंधन में। उसके बाद बात नहीं हुई ना, हमको बात नहीं हुआ, बारह तरीके खंडवे हो गया। हमेशा मारपीट होता था ऐसा कुछ बताया उसने? मारपीट नहीं करता था, झगड़ा करता था। झगड़ा करता जी। सास वगैरह ठीक थी ना? हाँ। सास थी वो तो ठीक से रख रही हाँ, थी, उससे कोई दिक्कत नहीं। पंकज जी दिक्कत, उसको कभी आप लोग नहीं बोले जो बेरोजगार था कुछ नौकरी छाकरी करने के लिए, आप लोग कुछ नहीं बोलते? नहीं, बच्चों का अपना देख रेख करता था। अच्छा, बच्चा छोटा वो भी चाहिए एक बच्चा को देख रेख करता था अपना, घरे रहता था खाता था पीता। तो बोला कि दीदी अभी मतलब अभी तो पोस्टिंग मतलब मूव हो रहा है, अब देहरादून आके सेट करना पड़ेगा सामान तो आऊंगा मैं। अच्छा, कब बात हुई थी? 10 को 10 तारीख को बात थी, आने की बात कही थी। आप उसके जम्मू में थे? जो घर में कल पारिवारिक विवाद चल रहा था उसके बारे में आप लोग जानकारी थी? माँ जी आपको कोई जानकारी कि घर में जो है पंकज ठीक से नहीं रख रहा है, झगड़ा कर? बात किए थे जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ?
आप तो संतुष्ट है अब तक की जांच जो हुई है उससे? संतुष्ट है, सारी चीजें तो पता ही होंगी क्या क्या हुई है अभी तक जांच? कुछ उल्टा है, कुछ सीधा है, ऐसे क्या मालूम पड़ा है? हमें क्या मालूम है, जांच अभी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जाँच होनी चाहिए। मामा जी भी पुलिस अफसर है, दो केस किए हैं पुलिस इस मामले में। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि नीतू ने ही पहले बच्चे को मारा है, क्या आपको विश्वास हो रहा है? सर नहीं, हमारा बच्ची कैसे मारेगा, बच्चा कितना प्यार करती थी कैसे मार सकती? गलत लिखा गया था, अब गलत है क्या सही है? हम तो भाई दूसरे जगह है, यहाँ तो है नहीं। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई जबकि दो युवक घायल हो गए हैं। पहली घटना में लोदीपुर निवासी निर्मला देवी जो अपने खेत में काम करके घर लौट रही थी उसको टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और दुर्घटना स्थल से मोटरसाइकिल को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि दूसरी घटना में दो बाइक सवार युवक टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर थे जब विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों युवक घायल हो गए जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। नहीं चला नहीं रहा था, गाड़ी ये चला नहीं रहा था। गाड़ी आपकी है? गाड़ी इस गाड़ी में था ये। आप गाड़ी में थे? हाँ। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में आप थे? क्या नाम हुआ आपका? गौतम। गौतम जी कहाँ घर हुआ? गौतम नहीं है, बंगाल घर हुआ। मुल्तान नाम है, मुल्तान। बंगाल से आ रहे थे आप लोग? बंगाल बरेपुरा से आ रहे थे। ड्राइवर कहाँ का है? ड्राइवर कहाँ गया? पूरब से पिकअप आ रही थी और पश्चिम की दिशा से मोटरसाइकिल आ रहा था। पिकअप का बहुत रफ्तार तेज था और वो मोटरसाइकिल कम धीरे धीरे आ रहा था। ये 20 ठोकर मारते हुए घिसते हुए 50 फीट लेके गया और उसका मोटरसाइकिल का एक आदमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, उसको लेके गया है डॉक्टर के यहाँ ले गया है और एक तो फिर दूसरा को भी लेके गया। कौन हॉस्पिटल? जेपी हॉस्पिटल। सर क्या घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ से 50 फीट के आगे से गाड़ी बहुत पिकअप में आ रही थी, मोटा मोटी गाड़ी का पिकअप होगा 70-80 के स्पीड में होगा। जी जी। इधर से बाइक वाला जा रहा था, रॉन्ग साइड से उसको लपेटते हुए यहाँ से घटते हुए यहाँ तक फेंका है उसको। ये जो वाहन है जी वो किधर से आ रही थी? ये आ रही थी पूरब साइड से आ रही थी, पश्चिम जा रही थी। और बाइक वाला? बाइक वाला पश्चिम से आ रही थी, पूरब जा रही थी। आमने सामने टक्कर हुई जी। कितने लोग बैठे थे बाइक में? बाइक पे दो लोग थे, एक लोग तो नाली में फेंका गए, एक लोग स्पॉट पे एक्सीडेंट किए हैं, उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। कौन अस्पताल में गया है? जेपी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनकी ही पार्टी के एक नेता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जदयू नेता नरेश मंडल ने परवत्ता थाना में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने विधायक गोपाल मंडल पर फोन पर धमकाने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता नरेश मंडल ने कहा कि उनके गांव स्थित लाइन होटल में जदयू के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने उन्हें कई बार फोन किया लेकिन वे फोन नहीं उठा सके। बाद में जब नरेश मंडल ने विधायक को फोन किया तो वे भड़क गए और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वह उनके दुश्मनों को अपने होटल में बैठाते हैं और उन्हें मारने की चेतावनी दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसी रात करीब 12:30 बजे चार हथियारबंद लोग नरेश मंडल के होटल पहुंचे और उन्हें घेर लिया। इन लोगों ने नरेश मंडल के पेट और छाती पर राइफल तान दी और गालियां देते हुए कहा कि गोपाल मंडल ने उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजा है। वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि साहब गाड़ी में हैं और आज इसका गर्दन उतार देते हैं। हालांकि गाड़ी से किसी ने कहा कि आज उसे नहीं मारना है। वहीं शिकायतकर्ता ने रंगदारी मांगने का आरोप भी लगाया है। नौगछिया एसपी पूरन झा ने बताया कि परवत्ता थाने को यह शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। घटना हुआ था 16 तारीख को मीटिंग था जदयू का और विश्व की का वो मेंबर बनाने के लिए सब आया था, प्रखंड अध्यक्ष सब था, वीरेंद्र सिंह था, तो एम पी साहब अजय मंडल उसको बाहर दे दिया। हम लोग उछा चले गए, शाम में हम आए उधर से देखते हैं गोपाल मंडल टेलीफोन किया
हम नहीं उठा सकते उसको, समझे ना, हम नहीं उठा सकते। बात जब समझी है खाली से बातचीत किया, हमारे भी विरोधी को काहे बैठाते हैं, वीरेंद्र सिंह को टेंट कर देने को, हम तोड़ देने, हम मेरे विरोधी मत बैठाइए तो आपको भी जाके पीटेंगे, यहाँ से होटल बंद करवा देंगे, यही से उल्टा सीधा क्या। कल कल रात क्या हुआ? कल रात में हुआ है, रात में नहीं हुआ। अच्छा, आपके ऊपर हमला, मतलब आपको मारने के लिए जो पहुंचा था, कितने लोग मारने के लिए पहुंचे थे? चार आदमी हम देखे कल। मुझसे क्या क्या हथियार था? हथियार किसी के पास बंदूक था, किसी पर राइफल था, किसी के पास जबिया था, सफारी गाड़ी था, उसका नंबर क्या था अगर उन्होंने। विधायक गोपाल मंडल भी थे? उसको हम नहीं देखे, चिन्हे है किसी को। अच्छा, चिन्हे पहचाने किसी को। नकाबपोश था कि ऐसे चेहरा खुला हुआ? वैसे मारते वक्त कुछ बोल रहा होगा? हाँ, क्या मंडल गोपाल मंडल के विरोध में यहाँ मीटिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, गोपाल मंडल के विरोध में अगर मीटिंग होगा तो उनको हम बर्बाद कर देंगे। आवेदन में आपने लिखा है कि साहब गाड़ी में बैठे हैं, साहब किसको संबोधित कर रहा है? अब साहब कौन साहब था ये हमने देखे हैं, लेकिन ये चारों बोल रहा था गोपाल मंडल गाड़ी में बैठा है। गोपाल मंडल का कौन, हम चीजें नहीं है किसी को। बोल रहा होगा ना मारने वक्त आपको? क्या सब आपको कैसे मारपीट? पिता नहीं आया, खाली धमक चमक दिया। क्या सब ऐसा मीटिंग यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारा विरोध में मीटिंग नहीं होना, जब भी यहाँ किसी मीटिंग किसी तरह नहीं हो, होटल चला सुबह से रंगदारी 50,000 रुपया महीना पहुँचा, यही सब हुआ। उनके बाद दोस्त से 10-20 मिनट रुका और सीधे गाड़ी लेकर तो चार तरफ सफारी गाड़ी, नहीं गाड़ी नंबर देखे, नए आदमी को हम पहचाने, कौन छाने हम पहचाने। अभी आप क्या क्या इसके आगे जो है केस वगैरह किए हैं, थाना में आवेदन दिए हैं, सूचना दिए हैं इसके बाद? हाँ, तो रात में आवेदन दिए हैं 9 बजे। अच्छा, दिन भर कल विचार सोच करके, सबसे सलाह विचार ले करके तब पिटीशन बना के रात में 9 बजे दिए। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पूजा का प्रसाद वितरण कर रहे एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई है। इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक अपने घर के बगल में स्थित विषैरी स्थान पर प्रसाद वितरण कर रहा था, तभी गांव के विजय पासवान अपने 4-5 सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे और युवक की पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित युवक का आरोप है कि विजय पासवान कथित तौर पर वकील है और अपने घर में अवैध शराब का व्यवसाय करते हैं। वहीं घटना में शामिल गुर्गे भी शराब के कारोबार में संलिप्त है। घायल युवक ने घटना के बाद निजी क्लिनिक में इलाज कराया और बरारी पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। युवक का कहना है कि विजय पासवान ने उस पर आरोप लगाया है कि वह उनके घर में पुलिस बुलवाकर भेजता है, जिसे युवक ने नकार दिया है। इसके बाद विजय पासवान ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना हुआ है, यही घटना हुआ, विषैरी स्थान, घर के बगल में विषैरी स्थान था, वहाँ प्रसाद बांट रहे थे। विजय पासवान घर से आया, वहाँ से 5-6 लड़का मिल के हमको वहाँ पर ले आके एक बार हिंच के लेके वहाँ पर ले आके लाठी लड़ को मारने लगा। क्यों मारा आपको? बोलता है तुम मेरे घर में पुलिस घुसवाते हो। क्या आपने पुलिस उसके घर में घुसाया? कभी उसके घर में पुलिस नहीं घुसवाते हैं, नहीं बात करते हैं। क्या करता है विजय पासवान? वो क्लिक करते हैं और वो क्लिक करता है, घर में शराब का धंधा करवाता है। अच्छा, कितने लोग आकर के आपको मारा है? उनको आगे मारा 5-6 लोग। आपके साथ और कोई घायल है? आप और किसी के साथ मारपीट किया गया आपके लोगों? हम ही को खाली मारा है, कोई घायल उतना नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। कितने बजे ये घटना हुई थी? 7 बजे। क्या कह कर के मारा आपको? उनको यही कह कर मारा क्या तुम मेरे घर में पुलिस घुसवाते हो। सभी का नाम? विजय हुआ, पंकज कुमार हुआ, बम कुमार हुआ, उसके घर का लेडीज था। सबका घर कहाँ है? सबका घर कहाँ है? सबका घर में सही नहीं। अभी कहाँ आए आप? अभी हम बड़ाई थाना आए आवेदन देने के लिए। 5 अगस्त को भागलपुर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव द्वारा भाजपा के खिलाफ दिए गए एक विवादित बयान को लेकर राजद पार्टी ने शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, राजद महिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता
मौजूद थे। वहीं सलाहुद्दीन हसन ने कहा कि जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। वहीं चंद्रशेखर यादव ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जब मीडिया ने उन्हें उनका बयान सुनाया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि आगे से इस तरह का बयान नहीं दिया जाएगा और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। ऐसे न्यूज जो हमारे अध्यक्ष के नाम से चल रही है जिसका उन्होंने कहा ही नहीं या उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष ने ऐसा बयान ही नहीं दिया है जो किसी के भावना को ठेस पहुंचे। और बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो बहुत सारी बातें कहती है, जैसे वैसी साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं, अभी प्रशांत किशोर जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का कहना कुछ और था और मीडिया ने उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश किया, जिससे बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई है। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने अपने बयान में कहा है, लिखित दे रहे हैं प्रेस के बीच, कि हमने ऐसा नहीं किया है, ऐसी जवान का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी कम्युनिटी के भावना को ठेस पहुंचे। अगर फिर भी उनको लगता है कि हमने ठेस पहुंच रहा तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।